फरवरी में दिल्ली में एक और बेटी किरण नेगी के साथ निर्भया हत्याकांड की तरह जघन्य बलात्कार हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ राम कश्यप और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। आज हम यहाँ उसमें अक्षरधाम अपार्टमेंट द्वारका में आइए, हम जानते हैं यहाँ पे जो इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे जो कैंडल जलाई गई हैं इसके बारे में कि आखिर क्या बात है कि इतने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। मैम, आप अपना नाम बताइए पहले। मैं डॉक्टर पूनम। पूनम जी, आप ये बताइए कि आज जो इतनी भीड़ नज़र आ रही है और जो कैंडल मार्च ये किस वजह से है, क्या है? आज जो इतनी भीड़ आप लोगों को नज़र आ रही है वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है लोगों की, क्योंकि जो हमारी बेटी थी उसको 11 साल हो गए हैं, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला और किसी जज की वजह से, किसी न्यायाधीश स्पेशल, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, हम उसने जो है न्याय व्यवस्था पर जो है मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि लोगों का भरोसा जो है न्याय व्यवस्था से उठता जा रहा है। आज हमारे जो है समाज में समान अधिकार तो मिल गया, लेकिन आज भी हमारी बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। इवन इतना ही नहीं, उन दरिंदों को छोड़ने के बाद एक ऑटो चालक को भी मार दिया गया। तो अभी लोगों को ये एक डर भी है कि भाई जो लोग इतना उनके लिए वो कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, कल को वो किसी के ऊपर भी खुलेआम जो है अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए हमें किसी भी तह तक जाना पड़ा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। मतलब जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आप उसके फैसले से खुश नहीं? जो फैसले से खुश नहीं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर खुश होते तो हमें आज यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना। तो आप सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो न्याय दे, वो जो दरिंदे घूम रहे हैं उन्हें सरेआम जो घूमने ना दिया जाए और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उस बेटी की तरफ सोचा जाए, क्योंकि आज सभी के घरों में बहन भी है, बेटी भी है। जब हमारे समाज में हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी ऐसी न्याय व्यवस्था का क्या फ़ायदा? हम न्याय व्यवस्था किस लिए रखी जाती है? लोगों के प्रोटेक्शन के लिए रखी जाती है या सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए रखी जाती है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस भी बेटी के साथ ये गलत हुआ है उसको जो है न्याय मिले और बेटियों को भी जो है एक सहारा मिले, क्योंकि आज लोगों में, आज लड़कियों में इतना डर पैदा हो गया है, माता पिता में इतना डर पैदा हो गया है कि वो अपनी बेटियों को जो है अकेले बाजार तक नहीं भेज सकती। आज आप ये बताइए, हम एक ऐसे तंग समाज में रह रहे हैं कि हमें समान अधिकार तो मिल गया, लेकिन आज भी हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। आज भी हमारी बेटियाँ डर डर के जो है हंस रही हैं और दरिंदे जो है खुलेआम भाग रहे हैं, खुलेआम कत्ल पे कत्ल कर रहे हैं। आज न्याय व्यवस्था से लोगों का इतना विश्वास उठ गया है, लोग आज कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते समय सोचता ही नहीं, क्योंकि उसका एक 9 फरवरी 2012 में उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय किरण नेगी की सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बेटी के पिताजी से आप अपना नाम बताइए। मेरे नाम कुंवर सिंह है, मैं किरण के पिता हूँ। किरण जी के पिताजी हैं ये, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहता हूँ कि मुलजिमों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और हमें न्याय दिया जाए। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते, मतलब आप खुश नहीं हैं उनसे? अभी हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से खुश कहाँ से हो जाए, अगर खुश होते, मतलब अगर उनको मुलजिमों को बाहर नहीं निकालते तब खुशी होती है। अब तीनों मुलजिम जो है बाहर कर दिए हैं, उन्होंने एक हत्या भी कर दी इस बीच में, 3 महीने नहीं होने दिए, ऑटो ड्राइवर का हत्या कर दी। चलो वो मुलजिम तो अंदर गया, लेकिन 2 अभी बाहर हैं, उनको भी जल्दी अंदर किया जाए और इन तीनों को जो है फांसी की सजा हो और ये देश पूरा हिंदुस्तान के लिए एक सुरक्षित होगा कि जो मुलजिमों को फांसी हो जाएगी। जी, मतलब आप, इन्होंने, इनका कहना है, ये किरण के पिताजी हैं, इन्होंने कहा कि अभी ये जो निर्णय आया है उससे संतुष्ट नहीं है और ये चाहते हैं कि सरकार अपना फैसला बदले। और कहना चाहेंगे आप? भाई, हमारा तो यही है कहना है कि जो अब नए जज साहब बैठे हैं वो इसको गहराई से देखें, इस पर जो है सही फैसला दें और मुलजिमों को सजा दें। देखिए, आप सोच सकते हैं कि एक पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जब इतने सालों से भी उन्हें अभी तक वो जो चाहते हैं, जो फैसला चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिल पाया है, कि उनके माता पिता से उनके दिल में क्या बीतती होगी। और अभी आप जो है आज उन्होंने आपने कैंडल मार्च निकाला है, इसके बाद? जी, आज कैंडल मार्च, आज
हमारी बिटिया को 11 साल हो गए हैं। 11 सालों से मैं मतलब जो है कि धक्के खा रहा हूँ। धक्के खाते खाते सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से हमें अभी तक, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की होती है जिनके हाथ लंबे होते हैं, हमारे हाथ लंबे नहीं है। भले हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय से कि हमें बस ये मुलजिमों को फांसी दे दे, हमारे लिए वही काफ़ी है। जो निर्भया जी के पिताजी हैं हमारे साथ में, उनसे जो बहुत ही जायज़ ये सारी चीज़ें झेल चुके हैं, सर आपका क्या कहना है जो इस तरीके से दरिंदगी हुई है और जो है लोगों को छोड़ दिया गया उन्हें? देखिए, इस देश में दरिंदगी का तो अब क्या बताएं, किस मुंह से क्या बोलें, ये प्रकाष्ठा ही हो गया है। हर रोज हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना। आपने भी अपने समय में बहुत ही ज़्यादा दुख झेले? हमने तो जो झेला झेला ही है, लेकिन अब जो हो रहा है ये देखकर सहन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि क्रिमिनलों की बात तो सुनी जाती है, विक्टिम्स की बात सुनी नहीं जाती। अब जैसे किरण नेगी के हत्यारों को जिससे छोड़ दिया गया है, तो दो कोर्ट से जो तो उनको फांसी की सजा मिली थी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो जज बिना देखे उनको फांसी की सजा दे दिए थे। लेकिन हमें जो लगता है, ये भारत में एक मानव अधिकार है जो हर क्रिमिनल को बचाने के लिए जज को भी खरीदने की कोशिश करता है या खरीदता है, वकील को भी खरीदने की कोशिश करता खरीदता है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम लोग बिके नहीं क्योंकि हमें न्याय की ज़रूरत थी। तो भारत सरकार को चाहिए कि मानव अधिकार के साथ मानव कर्तव्य का जोड़ना जरूरी है, कि जो व्यक्ति मानव का कर्तव्य करेगा उसको तो अधिकार है, लेकिन जो मानव का कर्तव्य नहीं करेगा उसको अधिकार नहीं है। तो जब मानव का अधिकार कहाँ लागू होना चाहिए और कहाँ नहीं लागू होना चाहिए, ये सरकार के पक्ष में होना चाहिए कि वो सरकार जिस तरह की बना अपने, ये कंपनियां तो बाहर की होती है लेकिन देश में अस्थिरता फैलाने के लिए सब काम करते हैं, तो इनको मानव अधिकार के साथ मानव कर्तव्य का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया कि उन्हें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, तो आपको लगता है कि उसमें भी फिर वो इतना ही समय लग सकता है? नहीं नहीं, याचिका डालेंगे नहीं, याचिका पड़ चुकी है, कोर्ट ने उस पर अपना मतलब कहने का कितना और समय? देखिए, ये तो जब केस खुलेगी, जिस दिन खुलेगी, जिस दिन हेयरिंग होगी, तब पता लगे कितना दिन जा सकता है। वो भी हम क्या बताएंगे, वकील बता सकता है, क्योंकि हमारे निर्भया के केस में जितेंद्र कुमार झा वकील थे, उन्होंने गिनती करके उंगली पे बताया था कि आपका केस इतने दिन में, दो चार पाँच दिन आगे पीछे चलेगा, लेकिन इतने दिन में आपका फैसला मिल जाएगा, उनकी फांसी हो जाएगी। और ठीक वही हुआ, तो वकीलों को पता होता है कि केस किस तरह की है और कहाँ जा रही है, कब तक क्या होगा। तो इसमें हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो ज़रूर बता सकते हैं लोग। तो अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या अपील है? सबसे पहले तो देश के न्याय व्यवस्था को ठीक करो, और जो हमारा देश आज किरण नेगी गुड़गांव में नौकरी से दिल्ली अपने घर लौट रही थी। इस बीच कुछ दरिंदों ने लाल रंग की इंडिका कार में जबरन खींच लिया था। कुछ समय बाद उसकी लाश हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में पड़ी मिली। अभी किरण का परिवार द्वारका में रह रहा है। को झटका दिया है उस फैसले के वजह से, एक जान और चली गई जो 25 तारीख की घटना हुई। अगर ये तीनों मुजरिम छूटे नहीं होते तो कम से कम एक गरीब की जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं इस हत्या का जिम्मेवार वो फैसला हुआ, जिसने वो फैसला दिया वो जज जिम्मेवार हुए। तो मैं सरकार से, खासकर गृह मंत्रालय से, मैं अनुरोध करती हूँ कि इस केस पे पुनर्विचार किया जाए। जो रिव्यू पड़ी है जल्दी से उस पे सुनवाई हो, और जो दो बाहर हैं इनको भी जल्दी से अंदर लिया जाए, क्योंकि उन दोनों से भी, उनके किरण के परिवार के, चाहे और लोगों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि और लोग भी आवाज़ उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं। तो हमारा यही है कि सरकार, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी से पूर्ण विचार करें और उन तीनों को सजा दें। जैसा कि अभी आपने देखा है, निर्भया जी की माता जी हमारे साथ थी, और वो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, निर्भया जी की माता ने, कि किस तरीके से उन्होंने दोबारा से पुनर्विचार के लिए बात रखी है। देखिए, ये उनकी मदर है। आप अभी देखिए, अब हम इनसे पूछते हैं, ये बेटी की माँ है जिनके साथ ये सारा हादसा हुआ था, और ये
पुनः से सुप्रीम कोर्ट में ये अपना अपील दायर करेंगे, आप बताइए। अपन दायर तो कर रखे हमने, तो अब हम चाहते कि आप सरकार से और क्या चाहते हैं? यही चाहते कि हम इंसाफ दो, हम उनको फांसी दो, दो, दो तीनों दरिंदे हैं उनको फांसी दो। एक तो अंदर हो गया तो दो जो बाहर घूम रहे उनसे मतलब सब देश के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें अंदर करो और जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि इन्हें अपनी बेटी के लिए जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए, जिस बेटी के साथ इतनी बुरा शोषण किया गया, कितना निर्णय किया गया, उनकी माता जी हमारे साथ हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? अब 11 साल से हमें धक्का खा रहे, रोडों पर खड़े खड़े मतलब तख्ती लेके मोमबत्ती लेके घूम रहे, खुद ही परेशान हो रहे, जनता को भी परेशान कर रहे। ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि मतलब कब तक हम लोग ये तख्ती लेके मोमबत्ती लेके खड़े होंगे। तो इसलिए सबको इंसाफ चाहिए और हमें न्याय चाहिए, ताकि मेरी बेटी को भी इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए अभी किरण की माता जी हमारे साथ हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, और वो देश के लोगों से भी अपील करती है, सरकार से अपील कर रही हैं। अब हम बात करते हैं उनसे। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश काला है, मैं गंगोत्री अपार्टमेंट का फॉर्मर प्रेजिडेंट रहा हूँ द्वारका में, और ये केस मैं जो है 2012 से देख रहा हूँ। इनके फादर मेरे ऑफिस में थे और ये उस टाइम भी मैंने विभत्स कांड देखा था अपनी आंखों से, और 94 दिन से हम यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने जो गलत फैसला दिया उसका हम विरोध करते हैं, और उम्मीद करते हैं नए चंद्रचूड़ साहब से कि दोबारा से इस केस में ये ओपन रीओपन करें इस फाइल को, और इसमें जो दोषी है उनको फांसी की सजा हो। तो आज जो आपने कैंडल मार्च निकालने के लिए कि इस चीज़ का क्या है? इसका यह है कि सुप्रीम कोर्ट को हम अलर्ट करना चाहते हैं कि न्यायपालिका ठीक ढंग से काम करे अपना, ऐसे दरिंदों को छोड़े ना, इससे समाज कलंकित हुआ है। जस्टिस यू ललित ने जो है समाज को कलंकित किया है। मतलब आप जो है सुप्रीम कोर्ट जी, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें न्याय का भरोसा है। मैं एक जस्टिस की बात कर रहा हूँ, जस्टिस यू ललित की बात कर रहा हूँ जिसने ये गलत फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट पे आज भी हमें भरोसा है, मैं जस्टिस साहब से यही उम्मीद करूँगा कि इस फैसले को ध्यान में रखते हुए दोषियों को फांसी की सजा दे, और ये बच्ची को हमारी जो है किरण नेगी को न्याय दे, और उनके माँ बाप को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे यहाँ पर द्वारका में, जिस तरीके से टीसीएस ने यहाँ पर हत्या कर दी है। तो मैं यही अपील करूँगा, सर्व समाज से अपील करूँगा कि लोग हमारे साथ आएँ, जुड़ें, और ये आगे जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर अडिग रहेंगे, जब तक कि इन दोषियों को फांसी पे लटका नहीं जाएगा ये, तब तक ये कैंडल मार्च चलता रहेगा, और इसी निर्भया चौक से हम इसको आह्वान करेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं। नमस्कार, आइए। नमस्कार, आप आज जो यहाँ पे कैंडल मार्च में आई हैं उसके बारे में आप क्या चाहती हैं? मैं आज नहीं यहाँ पे आई हूँ, मैं 104 दिन से यहीं पे हम खड़े होते हैं। हर रोज़ 7 से 8 बजे का हमारा टाइम है। हम जिस दिन वो फैसला आया नवंबर में 7 तारीख को, 8 तारीख से हमारा कंटिन्यू ये प्रदर्शन चल रहा है। आज अलग अलग जगहों से सब लोग आए थे, आज बच्ची को 11 साल हो गया गुजरे। तो हमारा यही है कि जो तीनों मुजरिम को छोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको फिर से जो रिव्यू पड़ी है किरण के माँ बाप के तरफ से, सरकार के तरफ से भी पड़ी है, तो उस रिव्यू पर दोबारा सुनवाई हो और तीनों को फांसी की सज़ा हो और इनको इंसाफ मिले। और जो सुप्रीम कोर्ट पे कलंक लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे पूरी दुनिया भरोसा करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले देके और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज दिनांक 9 फरवरी 2023 को द्वारका के अक्षरधाम अपार्टमेंट से बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। सर आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, आप ये बताइए आज जो यहाँ पे जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, कैंडल मार्च निकाला गया है, और सभी का ये कहना है कि वो कुछ अपने अपने बात बताना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि बार बार आप बोलते हैं भीड़ इकट्ठी हुई है, भीड़ नहीं, ये एक बेटी को जो है अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया है। तो ये भीड़ भीड़ जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जिस बेटी के साथ अभी 11 साल आप देखेंगे उसके जो हत्यारे थे उनको 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो इसका मतलब जो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट उनके पास जो सबूत थे वो कुछ नहीं थे, फिर उन्होंने कैसे उसको फांसी की सजा दी थी? अभी 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अचानक बोल देता है
कि भाई इनके पास सबूतों के अभाव में इनको बरी कर दिया जाए, और बरी करते ही कोई मापदंड होगा ना बरी करने का, और जैसे उसको बरी किया बाहर निकल के क्या किया, बाहर निकल के एक ऑटो वालों को मार दिया। तो किसके लिए किया ये? आज जो समाज में जो हालात पैदा हो रहे हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, डर लगता है, हालात इतने ख़राब हैं। अब उन लोगों को हम तो नहीं जानते ना पर्सनली, अगर वो हमारे इस लोगों के साथ में अगर वो भी आके बीच में घुस के देखे कौन कौन किसके खिलाफ़ बोल रहा है, और वो उसके साथ जाके कोई आघात करें, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज जो ऑटो वाले के बच्चे जो है बेचारे अनाथ हो गए, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? कोर्ट को चाहिए कि ये जो उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, इसके ऊपर दोबारा जो रिव्यू याचिका डाली है उसको जो है पुनर्विचार करे, और इनको अंदर डाले और इनको फांसी दे, क्योंकि बिना फांसी के इनका कोई बनेगा नहीं इसका सॉल्यूशन। और ये जो इतने लोगों ने आज पैदल मार्च किया है, कैंडल मार्च किया है, और ये पिछले 104 दिन से लगातार 6 से 7 बजे तक यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या सरकार तक क्या आवाज़ नहीं जा रही? सरकार को भी पता है कि हमने गलत किया है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार या कोर्ट कौन जिम्मेवार है? सरकार के अलावा कोर्ट जिम्मेवार है, सबसे पहले कोर्ट जिम्मेवार है, और सरकार जिम्मेवार, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ली, सरकार ने जो है उसको रिव्यू पटिशन के लिए बोला है, लेकिन बोलना नहीं है। जिस तरीके के फैसले आज की सरकार लेती है उस हिसाब से इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा। इस पर तुरंत फैसला लेना चाहिए सरकार को, और इनको बोलना चाहिए कि भाई ये गलत डिसीजन हुआ है और इसका जो है सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, इनको अंदर डाला जाए। यहाँ पे जो जैसा कि आपने बताया जितने सपोर्टर्स, उनकी क्या डिमांड है कि उन्हें किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? सर फांसी के अलावा क्या सज़ा देंगे? जिन्होंने इत्ना बलात्कार किया और इतना विभत्स तरीके से जो है उसका मर्डर किया है, और उसके बाद बाहर निकल के क्या किया? कुछ सुधरे थोड़ी हैं? बाहर निकलते ही उन्होंने एक ऑटो वाले का गला रेत दिया, और अभी आगे क्या करेंगे इसका भी तो कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिसमें निर्भया के माता पिता, कई सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर पूनम सिंह, सुमेर सिंह एवं भारी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। दिल्ली से राम कश्यप की रिपोर्ट।